हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए जी, सैमसंग की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, इसमें कुछ एरर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, पहले मशीन को ऑन करते हैं। देखिए, जैसे हम मशीन को ऑन करके प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 2-4 सेकेंड के बाद एरर शो करता है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये एरर आ रहा है, इसमें जो जितनी भी एलईडी है सारी फ्रेंड्स ब्लिंक कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी देखिए फ्रेंड्स, एरर। चलिए मशीन को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम प्लग आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद मशीन को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में हमारी दो ही चीज़ें ख़राब हो सकती है, या तो हमारा प्रेशर स्विच और या फिर हमारा जो हमारा डोर लॉक होता है फ्रेंड्स, डोर स्विच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए पहले डोर स्विच को ही टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वायरिंग वगैरह चेक करते हैं। वायरिंग वगैरह तो फ्रेंड्स बिल्कुल ओके लग रही है। ये हमारा प्रेशर स्विच है और जो जो इसके साथ है ये हमारा डोर स्विच। चलिए सबसे पहले डोर स्विच को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, डोर स्विच को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी जो दोनों थिम्बल हैं इनको आपस में शॉर्ट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट कर लिया। डोर स्विच को शॉर्ट करने के बाद जैसे हमने फ्रेंड्स इस मशीन को ऑन किया, फिर से सेम एरर ही आ रहा था। चलिए अभी प्रेशर सेंसर को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर सेंसर भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है पानी की वजह से फ्रेंड्स। चलिए इसको अभी पेट्रोल या केरोसिन ऑयल की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें रस्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इसको क्लीन करके चेक कर लेते हैं, अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ओके, नहीं तो इसको फ्रेंड्स सेंसर को चेंज ही करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसको किसी भी केरोसिन ऑयल या पेट्रोल की मदद से आप साफ कर सकते हो। चलिए, जो हमारी डोर स्विच वाली वायर थी उसको हम लगाते हैं। इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह से ब्रशिंग कर ली हमने। चलिए फ्रेंड्स, अभी इसकी वायरिंग करते हैं दोबारा। प्रेशर सेंसर भी अच्छी तरह से साफ हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए, इन सब को सेट करने के बाद देखते हैं अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर सेंसर को लगा दिया हमने अपनी जगह पे, सेट कर लिया अच्छी तरह से। चलिए अभी ऑन करके चेक करते हैं फ्रेंड्स मशीन को। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स देखिए, अभी वर्किंग करना स्टार्ट कर दी हमारी मशीन ने। देखिए फ्रेंड्स, अभी मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम थी प्रेशर स्विच की, क्योंकि रस्ट की वजह से इसमें जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था हमारा प्रेशर स्विच। अभी जैसे फ्रेंड्स इसको हमने ब्रश वगैरह से साफ़ किया अच्छी तरह से, अभी हमारी मशीन ने वर्किंग करना स्टार्ट कर दी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको बंद कर लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं मशीन में कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है हमारी मशीन, जो वॉशिंग मशीन थी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी मशीन बिल्कुल ओके है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।